नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात तब्बल 31 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या प्रकरणावरून महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडालीय. तसंच विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोलही केलाय. तर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारला संतप्त सवाल करत सरकारला धारेवर धरलंय. तसंच सरकारच्या कारभारावर गंभीर आरोपही केलेत. महाराष्ट्रातील नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात औषधांच्या कमतरतेमुळे 12 नवजात बालकांसह 24 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. मी सर्व शोकग्रस्त कुटुंबाप्रती मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. भाजप सरकार आपल्या प्रसिद्धीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते, पण मुलांच्या औषधांसाठी पैसे नाहीत. भाजपच्या नजरेत गरिबांच्या जीवाची किंमत नाही आहे का? अशी संतप्त प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली आहे. नांदेड के लिए आप खुद निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने अभी का क्या काउंट है सर, कितने लोगों की डेथ हो गई है? नहीं, कल नांदेड में 24 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें 12 छोटे बच्चे थे, शिशु थे, और 12 एडल्ट थे. 24 ये संख्या बड़ी है. एक दिन में इतनी डेथ क्यों हुई, इसकी जांच इंक्वायरी बिठाई गई है. हमारे पूना से, मुंबई से जो अफसर है, बड़े अफसर है, वहाँ पर गए और देख रहे कि इसकी वजह क्या है. मेडिसिन की कमी थी या डॉक्टर की कमी थी या और कुछ, मतलब जो भी वजह है उसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद एक दो दिन में रिपोर्ट आएगा. उसके बाद में जो भी कार्रवाई है वो सब की जाएगी. औरंगाबाद के घाटी मेडिकल एजुकेशन रहा है, इस तरीके की घटना हुई है, आज ये घटना हुई है. खुद पवार साहब ने इसे लेकर ट्वीट किया है. उनका ये कहना है कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये तो राजनीति वाली बात हो गई है, लेकिन 24 से संख्या काफ़ी है. इसके लिए हसन मुशरफ साहब जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं भी नांदेड़ का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, हम दोनों वहाँ जाकर स्थिति की जानकारी लेंगे. इंक्वायरी ऐसे हमने बिठा दी है सीएम साहब ने. मुझे लगता है एक दो दिन का समय लगेगा. लेकिन आप कहते हैं संभाजीनगर में कुछ हुआ है, नागपुर में कुछ हुआ है. अभी ऐसा है, ये जो हॉस्पिटल है इसमें पेशेंट भी काफ़ी है. अभी नांदेड़ में 750 पेशेंट है. जे जे से हम हॉस्पिटल देखेंगे तो वहाँ 2,500 पेशेंट होते हैं. कुछ सीरियस पेशेंट होते हैं, कोई एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं, कुछ ओल्ड एज होते हैं. डेथ तो होते रहती है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब डेथ होती है, जैसे थाना में भी कुछ अभी पीछे एक दो महीने पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, तो इसमें किसका मतलब, इसमें किसी डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया है, डीन का कोई ध्यान नहीं है, मेडिसिन की कमी है, क्या वजह है? कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई अचानक, इस वजह से भी डेथ होती रहती है. तो इसकी पूरी जानकारी हम ले रहे हैं, इसकी इन पे इंक्वायरी बिठा दी है. मुझे लगता है इसके बाद में ही बातें सब सामने आएगी. औरंगाबाद में भी यही घटना आई है, बात ये है. पर प्रांतीय का मुद्दा एक बार फिर से सर गरमाया और फेरी वाले से मारपीट. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.